सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको बता दें एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भारी कटौती हुई है। मैंने आपको बताया था गैस सिलेंडर का नया दाम आएगा 1 सितंबर को। तो नए गैस सिलेंडर की कॉस्ट आपको बता दें 1 सितंबर में यानी 1 सितंबर के दिन गैस सिलेंडर वालों को काफी ज्यादा खुशखबरी मिली है, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए तक सस्ते हुए हैं। जी हाँ, सस्ता हुआ है एलपीजी सिलेंडर। जानिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक के सारे नए रेट, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देश में महंगाई की मार झेल रहे जनता को महीने के पहले ही दिन पर बड़ी राहत मिली है। 1 सितंबर को गैस सिलेंडर के दामों में कमी देखने को मिली है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की भारी कटौती हुई है। हालांकि आप बता दें, दाम में केवल कमी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर हुई है, जबकि 14.2 केजी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुराने दाम पर ही मिलेगा। यानी ना वो महंगा हुआ है, ना सस्ता हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर से दिल्ली में एक इंडेन के 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 91.50 रुपए की कमी आई है। कोलकाता में 100 रुपए की, मुंबई में 92.50 रुपए की, ऐसे ही यूपी में भी 91 रुपए कम हुआ है। कहां पर कितनी होगी गैस सिलेंडर की कीमत, आप ये देख सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में आज 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर कीमत 1976.50 रुपए की जगह पर 1885 रुपए का मिलेगा। गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हुए हैं, आप यहाँ पे मेट्रो सिटीज और प्राइजेस देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर का जो कीमत है 6 जुलाई में ही आपको मिलता रहेगा। यानी 6 जुलाई को जो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, उसी दाम में आपको घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा, उसमें कोई भी राहत नहीं दी गई। 1 अगस्त को भी कम हुए थे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, और एक बार फिर से 1 सितंबर को गैस सिलेंडर के दाम कॉमर्शियल वाले कम हुए हैं। वैसे आपका क्या मानना है, क्या सरकार जो गैस सिलेंडर के दाम में सिर्फ कॉमर्शियल में ही कमी करती है, क्या घरेलू गैस सिलेंडर में भी करना चाहिए या नहीं? वैसे आपको पता होगा कि जो बाहर के रेस्टोरेंट के फूड होते हैं या फिर जंक फूड होते हैं, उन्होंने भी अपने दाम बढ़ाए हुए हैं, अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं खाने पीने की, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम होने पर वो अपने दाम नहीं घटाते हैं। जबकि उनका ये बहाना रहता है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम महंगे हुए हैं, इसलिए जो जंक फूड है, रेस्टोरेंट का फूड है, इन सभी चीज़ों के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो कारण ये है कि जब दाम बढ़ता है तो दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन जब दाम घटता है तो वो अपने ही प्राइस में सामान को बेचते हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।